नमस्कार, संस्कृत विजडम चैनल में आपका स्वागत है। आज के हमारे निबंध का विषय है वायु प्रदूषण। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रदूषणस्य अर्थः अस्ति यत् पर्यावरणम् अशुद्धं भवति। प्रदूषण का अर्थ है कि पर्यावरण अशुद्ध होता है। वायु प्रदूषणम् धूमेन धूलकणैः च भवति। वायु प्रदूषण धुएं और धूल के कणों से होता है। नगरेषु वायु प्रदूषणस्य प्रमुखं कारणं वाहनानि सन्ति। नगरों में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण वाहन है। यंत्रागाराणां कारणात् अपि अधिकं वायु प्रदूषणं भवति। कारखानों के कारण भी अधिक वायु प्रदूषण होता है। यदा शस्य शेषाणां दहनं भवति तदापि बहु वायु प्रदूषणं भवति। जब पराली जलाई जाती है तब भी बहुत वायु प्रदूषण होता है। वृक्षाणां कर्तनम् अपि वायु प्रदूषणस्य वर्धनस्य कारणम् अस्ति। पेड़ों की कटाई भी वायु प्रदूषण बढ़ने का एक कारण है। वायु प्रदूषणेन मनुष्येषु बहवः रोगाः उद्भवन्ति, प्रामुख्येन श्वसनस्य, त्वचायाः, नेत्रयोः च। वायु प्रदूषण से मनुष्यों में अनेक रोग होते हैं, मुख्य रूप से श्वसन, त्वचा और आँखों के रोग। अन्य जीवेभ्यः अपि वायु प्रदूषणं हानिकारकं भवति। वायु प्रदूषण अन्य जीवों के लिए भी हानिकारक है। वायु प्रदूषणस्य न्यूनीकरणे वृक्षारोपणं सार्वजनिक परिवहनस्य उपयोगः च महत्वपूर्णौ भागौ स्तः। वायु प्रदूषण को कम करने में पेड़ लगाना और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, यह दो महत्वपूर्ण भाग है। सर्वेषां हिताय वायु प्रदूषणस्य अल्पीकरणं सर्वकारस्य संपूर्ण समाजस्य च दायित्वम् अस्ति। सभी के हित के लिए वायु प्रदूषण को कम करना सरकार और संपूर्ण समाज का दायित्व है। इस वीडियो में हमने आज वायु प्रदूषणम इस विषय पर संस्कृत में निबंध लिखना सीखा। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।